हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर और सिंपल सा प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसको बनाने की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये दिखने में काफ़ी प्यारा लगता है। तो इससे पहले इस डिज़ाइन को बनाने की प्रोसेस मैं आपको बताऊँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा, जो भी अपकमिंग वीडियो होंगी वो तुरंत आपके फ़ोन में आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड, ये जो पैटर्न है बहुत आसान है, इस पैटर्न को बनाने की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और दिखने में ये बहुत प्यारा लगता है। यूनिक सा डिज़ाइन है जिसको मैं आपके सामने लेके आई हूँ। इस पैटर्न को रेडी करने के लिए मैंने क्या किया था वो मैं आपको, आपने देखा होगा पिछली रो में मैंने एक फंदे में दो बार धागा लपेट के उसको नीट कर लिया था, और इसी तरीके से मैंने उस पूरी रो को एक फंदे में दो बार धागा लपेट के नीट किया था। आप चाहें तो वीडियो को फिर से एक बार देख सकते हैं। उसके बाद जब मेरी वो रो कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे मैंने इन जो एक फंदे के मैंने दो फंदे किए थे, उन फंदों को एक एक करके निकाला और एट फंदे मैंने ले लिए, और एट फंदों में से मैं यहाँ पे एट फंदों के एट फंदे बनाते जाऊंगी। एट फंदों में से एट फंदे मुझे नीट करने, इस तरीके से डिज़ाइन रेडी हो जाएगा और आपको समझ आ चुका होगा मैंने एक्चुअल में किया क्या है। बहुत इजी है इसको बनाना। पहली रो में मैंने एक फंदे में से दो बार धागा लपेटा और उसको नीट कर लिया। वो रो मैंने पिछली रो इसी तरीके से कंप्लीट की थी, और जब मैं फ्रंट साइड आई, फ्रंट साइड पे मुझे क्या करना है, एट फंदों के मुझे एट फंदे बनाने हैं, और एट फंदों के एट फंदे बनाएंगे, बन जाएंगे, उसके बाद फिर से आप एट फंदों के एट फंदे बनाएंगे। टोटल मैंने 24 फंदों को यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और डिज़ाइन पैटर्न जो है वो मेरा एट फंदों में कंप्लीट होगा। यानी इस पैटर्न को प्रॉपरली रेडी करने के लिए मुझे यहाँ पे 4 रोज जो है मेरी वो यूज़ होंगी। फर्स्ट रो में मैंने एक फंदे में दो बार धागा लपेटा और फिर एक फंदा बनाया, और सेकंड रो में मुझे एट फंदों के एट फंदे बनाने। इसी तरीके से ये मुझे पूरी रो एट फंदों का एट फंदे बना के कंप्लीट करते जाना है। बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से मैंने इस सेकंड रो को भी कंप्लीट कर लिया था, और थर्ड रो में मुझे क्या करना है वो आप देखेंगे। इस पूरी रो को मुझे उल्टी बिनाई के साथ नीट कर लेना है। यहाँ जो मैंने एट फंदे बनाए थे उन फंदों को मुझे इसी तरीके से एक एक करके नीट करते जाना है। इस पूरी रो को मुझे नीट कर लेना है, यानी यहाँ पे जब एट फंदे मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तो उस टाइम पे मेरे एट फंदों के 16 फंदे बनेंगे। इस तरीके से इस रो में मुझे इन सभी फंदों को उल्टी बिनाई के साथ नीट करते जाना है, और अगली रो में हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जब मेरी यह रो कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद मैं दो फंदों का एक करके सुलटी बिनाई के साथ इसको नीट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने जो मेरे 16 फंदे बने हुए थे मुझे उसे 8 में ही लेते हुए आना है, इसीलिए दो फंदों का मैं एक कर लूँगी, और इस पूरी रो को भी इसी तरीके से कंप्लीट करते जाऊँगी। दो फंदों का एक करके जो मेरा डिज़ाइन पैटर्न है वो रेडी होने लगेगा, और अगली रो में मुझे पूरी रो में उल्टी बिनाई ही करनी है, ताकि जो डिज़ाइन पैटर्न है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए, और फिनिश होने पे कितना सुंदर लगता है वो आप अभी देखेंगे। देखिए प्रॉपरली कंप्लीट होने के बाद ये कितना प्यारा लगता है। और फ्रेंड, आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना ना भूलिए। बहुत इजी डिज़ाइन पैटर्न है और दिखने में काफ़ी गॉर्जियस है, बहुत ज़्यादा इजी है। कितनी सिंपल इसकी प्रोसेस थी, और 4 मिनट के अंदर मैंने आपको कंप्लीट करके दिखा दिया। बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए भी, अपने फैमिली के लिए भी। आज के वीडियो में बस इतना ही है, फिर मिलेंगे एक नए पैटर्न के साथ, और तब तक के लिए बाय एंड टेक।